नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में चुनावी कीचड़ उछलने शुरू हो गए हैं। नेता तो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार पार्टियों की एंट्री हो गई है। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की हिंदू विरोधी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर लिखा है, अगर भूपेश बघेल जीते तो जिहादिस्तान बन जाएगा राजनांदगांव। वहीं जांजगीर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया पर भू माफिया और कब्जाधारी होने का आरोप लगाया जा रहा है। उधर कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद ज्योत्सना महंत पर सबसे निष्क्रिय सांसद होने का आरोप लग रहा है। अब सवाल है कि बीजेपी को ये मौका क्यों मिला। दरअसल भूपेश बघेल सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे मोहम्मद अकबर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कवर्धा से ही विधायक थे। भूपेश बघेल के करीब माने जाने वाले रायपुर महापौर एजाज देवर और उनके भाई अनवर देवर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। भूपेश बघेल के चुनाव के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका नवाज खान निभा रहे हैं। शिवा डहरिया सरकारी भवन पर कब्जा करने के आरोप उन पर लगे हैं। कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत पिछले 5 सालों में संसद में छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लेकर के ज़्यादा एक्टिव नहीं रही है, इसलिए इस तरह के पोस्टरबाजी जो है वो शुरू हो गई है। और आपको हम बता दें क्या क्या आरोप है। जी, हम आरोप आपको दिखा। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की हिंदू विरोधी छवि बनाने की कोशिश हो रही है। पोस्टर में लिखा है, भूपेश बघेल जीते तो जिहादिस्तान बन जाएगा राजनांदगांव। जांजगीर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया पर भू माफिया और कब्जाधारी होने का आरोप लगा है। वहीं कोरबा के मौजूदा सांसद पर भी जो है ज्यादा सक्रिय ना होने का आरोप बीजेपी लगा रही है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में दरअसल लोकसभा की 11 सीटें हैं और उसको जीतने का टारगेट जो है वो बीजेपी लेकर के चल रही है। बीजेपी 11 में से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा खुद को थोड़ा कमजोर, अपेक्षाकृत कमजोर मान रही है, जिसमें राजनांदगांव, कांकेर, जांजगीर की सीट भी शामिल है। शायद इसी के लिए रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना। हम सीधे आप अपने सहयोगी नीलेश के पास चल सकते हैं। नीलेश, बताइए ये इस पोस्टर वार के बारे में बताइए। अब देखिए, जब भी चुनाव आता है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए ये जाते हैं, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक अलग रणनीति पर काम कर ली और जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, एक एक प्रत्याशियों को चुन चुनकर उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और प्रत्याशी को टारगेट किया जा रहा है। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनके ऊपर सीधे तौर पर हिंदू विरोधी छवि होने का आरोप लगा दिया गया और एक तरह से जो पोस्टर जारी किए गए सबसे पहले उनको टारगेट किया गया। उसके बाद पूर्व की सरकार में मंत्री, काफी वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, नामी नेता रहे हैं, शिव डहरिया को जांजगीर से प्रत्याशी बनाए गए हैं तो उनको फिर दूसरे दिन टारगेट किया गया। मतलब ये बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश करिए कि वो एक साथ सभी को टारगेट नहीं कर रही है, एक एक करके टारगेट कर रही है। तो उसमें शिव डहरिया को शामिल किया गया, उनके ऊपर जो अभी हाल ही में रायपुर में एक मामला आया था सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर, हालांकि वो मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन उसको ही आधार करके भू माफिया और कब्जाधारी होने का आरोप लगा दिया। कोरबा से सांसद हैं ज्योत्सना महंत, अब उनको टारगेट किया जा रहा है और ये भी सोर्स कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो और प्रत्याशी हैं उनको भी एक के बाद एक कर टारगेट करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। ये आने वाले दिनों में दिख भी जाएगा, सामने निकल कर आ भी जाएगा। इसकी सीधी सीधी कोशिश यही है कि बीजेपी अपने तमाम जो मुद्दे हैं जिनके साथ चुनाव में जाना चाहती है, उसके अलावा जो भी एक नेगेटिव कैंपेनिंग की ओर भी आगे बढ़ रही है कि सरकार जो है वो अपना काम कर रही है लेकिन बीजेपी जो दूसरे की छवि है उसको धूमिल करके बीजेपी की छवि बढ़ाने का, जो बोलते हैं ना कि अपनी लाइन बढ़ाने के लिए दूसरे की लाइन छोटी करने का जो काम है, वो भी बीजेपी एक तरह से करती नजर आ रही है बाबा इस पूरे चुनाव में। तो नीलेश, मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी को अपनी कुछ सीटें ऐसी, उन्होंने जैसे राजनांदगांव है, कांकेर है, क्या ये सीटें बीजेपी को लगती है कि कमजोर सीटें हैं इसलिए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए ये सब कर रही है? बिल्कुल बाबा, देखिए हम राजनांदगांव से ही शुरू करते हैं। राजनांदगांव में अभी मौजूदा सांसद है संतोष पांडे, बीजेपी के एमपी हैं, लेकिन ये जब दौरा किया जाता है, जब वहां पर बातचीत की जाती है तो ये पता चलता है कि पिछले 5 सालों में उनको लेकर एक बड़ी
नाराजगी भी पार्टी के भीतर भी देखने को मिली और जनता के बीच में भी, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको उठाया जा सकता था केंद्र में, वो शायद नहीं उठाया गया जो जनता के बीच में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी, उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शामिल भूपेश बघेल उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस लिहाज से भी वो सीट थोड़ी सी कांग्रेस के फेवरेबल है। समीकरण की भी बात करें तो उस लोकसभा में ज्यादातर सीटें कांग्रेस के हिस्से में है, चाहे वो राजनांदगांव की 3 सीटें हो या फिर खैरागढ़ की सीट हो, वो कांग्रेस के हवाले कांग्रेस के हिस्से में है विधानसभा चुनाव में, तो समीकरण के लिहाज से भी कांग्रेस के पक्ष में है और माहौल के लिहाज से भी। कांकेर की बात करें तो कांकेर में पिछला चुनाव जो बीजेपी जीती थी वो महज 6,700 वोटों से जीती थी, लोकसभा चुनाव में इतने कम अंतर से जीत इतने मानकर चला जा रहा है कि वो कांग्रेस के लिए, और इस बार के जो विधानसभा चुनाव परिणाम है उसमें से 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के हिस्से में है, एक जिला तो पूरा पूरी तरह से कांग्रेस के पास है। जांजगीर की बात कर ली जाए तो जांजगीर की टोटल जो सीटें हैं लोकसभा की, उसमें जितने विधानसभा की कुल सीटें हैं, कुल की कुल कांग्रेस के हिस्से में, ऐसे में ये सीटें काफी कमजोर मानी जा रही है बीजेपी के लिहाज से। हालांकि बीजेपी के अपने दावे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन समीकरणों और जो परिस्थितियों को ध्यान दिया जाए तो ये काफी कमजोर सीटें हैं, कोरबा पहले हार ही चुकी है बीजेपी, तो इसलिए माना जा रहा है कि व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा है। जरूर, जब हमारे साथ पी श्री कुमार मेनन साहब जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जी संदीप शर्मा भी जुड़ेंगे और के शर्मा जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं। तो मेनन साहब, पहले ये बता दीजिए आपकी इस तरह के कैंपेन को क्या कैसे ले रही है कांग्रेस, इसका काउंटर आपके पास क्या है? मनोरंजन जी, एक डरी हुई सरकार, एक डरी हुई पार्टी भाजपा दिख रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात ना करें, हम पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार से, अगर देश का सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी अगर यह आह्वान करती है कि बूथ स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़कर ला लो अपनी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि भाजपा की स्थिति क्या है। दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को प्रवेश दिलाकर उनको टिकट दिलाया जा रहा है, जिस संख्या करीब करीब 170 संसद के अंदर में कांग्रेस और अन्य विपक्ष की पार्टी के लोग हैं, ये अपने आप में साबित करता है कि भाजपा अपनी आइडियोलॉजी से हटते जा रही है। भाजपा को अपने कैडर पर भरोसा नहीं है, भाजपा को लगता है कि उनके द्वारा इन 70 सालों में जो अपनी पार्टी का कैडर तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं वो कमी है, इसलिए उनको कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के अन्य साथी, अन्य सपोर्टिंग दल, उनके लोग उनको सही लग रहे हैं, उन लोगों को प्रवेश कराकर अपनी पार्टी से टिकट दे रहे हैं। रही बात आपने जो बात की कैंपेन की, नेगेटिव कैंपेन की, भाजपा का चरित्र आज से नहीं है, महात्मा गांधी से लेकर आज तक, राहुल गांधी तक, जो भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं, चाहे वो अन्य रूप में रहे हो, हमेशा से कांग्रेस ने, भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं के कैरेक्टर एसोसिनेशन का काम किया है, हमेशा उनके बारे में झूठी अफवाह फैलाकर, बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, हर किसी को उन्होंने टारगेट किया है और ये पूरा देश देखता रहा जी। आज भी भूपेश बघेल जी के संबंध में जो बात कर रहे हैं, चाहे वो ज्योत्सना महंत जी के बारे में हो, चाहे सुंदरिया जी के संबंध में हो, चाहे अन्य जगहों पर भी, ये इनका स्ट्रेटेजिक कैंपेन रहता है, एक प्लान रहता है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ताकि लोग समझे उस बात को या समझने लग जाए, ये इनका एक षड्यंत्र का तरीका है। और इसलिए मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि भाजपा एक रणनीतिक रूप से षड्यंत्र करके लोगों के बीच में गलत बातें फैलाने का, अफवाह फैलाने का, सनसनी फैलाने का काम करती है। लेकिन जनता अब धीरे धीरे इनको समझने लग गई है, जनता जानने लग गई है कि ये पार्टी सिर्फ अफवाह और झूठ फैलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करके इनके झांसे में नहीं आना है। और छत्तीसगढ़ के अंदर मनोरंजन जी, आपको अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेगा। भाजपा की सरकार रहने के बावजूद हमारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 में से, मेरा अपना मानना है कि 6 से 7 संख्या में हमारे सांसद जीत कर आएंगे। चलिए हम अभी आपके पास फिर दोबारा से लौटेंगे, के शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि इस निगेटिव कंपेन की जरूरत क्यों है बीजेपी की? बीजेपी तो सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है, सरप्राइज कैंडिडेट भी लाती है, फिर ये इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, लोकसभा चुनाव जिस तरह से आप देख रहे हैं, भाजपा कितने महत्वपूर्ण ढंग से मार रही है, जैसे 400 पार की बात कही जा रही है और छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतने की बात कही जा रही है। इसी तरीके से प्रत्याशी की घोषणा जिस तरह से पहले समय से पहले की गई कहा जा सकता है, उसके बाद अभी कांग्रेस के
जिन सीटों की अभी बात हो रही, खासकर तीन प्रमुख सीटें, सबसे पहले राजनांदगांव को इन लोगों ने टारगेट किया, जहां की बात कही जा सकती डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से वहां विधायक चुने गए हैं। उसके साथ ही कवर्धा में जीतने में सफल हुए हैं, विजय मिश्रा जी उप मुख्यमंत्री हैं। और कवर्धा की बात करेंगे तो मोहम्मद अकबर वहां से 60,000 मतों से जीते थे 2018 में, लेकिन इस बार कवर्धा में कुछ घटनाएं, एक झंडा कांड हुआ उसकी भी जानकारी आपको है, उसके बाद साध राम हत्याकांड हुई जिसमें ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी कश्मीर पाकिस्तानियों से इनके संबंध की बात आ रही है, जिसको NIA जांच की भी घोषणा विधानसभा में की गई है। अब उसके साथ ही जो कवर्धा इसी क्षेत्र में आता है, उसके साथ ही पंडरिया रमन सिंह की भांजी कही जाती है, वो वहां से जीतने में सफल है। बाकी 5 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। तो इस दृष्टि से वहां पे भूपेश बघेल के चुनाव मैदान में आने से प्रत्याशी के रूप में एक कद्दावर नेता वहां पे मैदान में है। और जिस तरह से संतोष पांडे के बारे में कहा कि वर्तमान सांसद है, उनके निचले स्तर पर अपनी जिस तरह से दो ही लोगों को ही, विजय बघेल जी दुर्ग से और राजनांदगांव से संतोष पांडे, इनको ही भाजपा ने रिपीट किया है। तो वहां पे एक RSS की छवि, RSS बैकग्राउंड वाले संतोष पांडे कहा जा सकता है, उनके पिताजी भी RSS से जुड़े, तो एक ध्रुवीकरण की बात और तुष्टिकरण का जो आरोप लगता रहा है, चाहे मोहम्मद अकबर के हार के मामले में हम देखें या रायपुर में एजाज ढेबर की जो बात कर रहे हैं, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल ने रायपुर जक्सिंग से राम सुंदर दास जो प्रत्याशी थे उनके स्थान पर महापौर एजाज ढेबर को ज्यादा टारगेट किया था कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक रणनीति के तहत, एक तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण जो आप कह सकते हैं, इस राजनीति के तहत ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो जांजगीर सीट है, वहां पे 8 अनुसूचित जाति के आरक्षित इस सीट पर सभी 8 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं। तो यहाँ भाजपा के लिए निश्चित रूप से इस ढंग से देखें विधानसभा परिणाम तो एक चुनाव चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। और तीसरी सीट की जो बात हो रही कोरबा के, तो कोरबा में आप देखेंगे 8 में से 6 भाजपा जीतने में सफल रही वहां पे, और एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को और एक कांग्रेस को मिली है विधानसभा में। और वहां पे ज्योतिष्णा महंत की जो बात है, वहां प्रमुख रूप से चरणदास महंत की अपनी एक अलग छवि कही जा सकती है। तो ये ऐसी सीटें हैं जिनके लिए भाजपा को मेहनत करनी पड़ेगी कहा जा सकता है। कुछ एक और सीटें, 2 सीटों की बात आ रही है जिसको MNN जी कर रहे हैं कि 5-6 सीट जीतने की बात उस हो सकता है कि महासमुंद कांकेर को लेकर भी इस तरह की बातें आए, तो लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को बारे में, जनता को, मतदाताओं को एक भाजपा जागरूक करने की बात कहें या उनके बारे में जो जानकारी है जनता के बीच में फैलाने की कोशिश कर रही है प्रचार प्रसार की दृष्टि से कह सकते हैं। भूपेश बघेल को जिस तरह से वीरनपुर घटना की बात आ रही है, वहां पे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वहां के विधायक वो उस घटना में वहां तक नहीं पहुंच पाए थे कहा जा सकता है। पीड़ित परिवार को लेकर के जो बात कहें, यहां तक रहा कि पीड़ित परिवार भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या हुई, उसका पिता वहां से विधायक बन जाते हैं और कद्दावर रविंद्र चौबे वहां से पराजित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है छत्तीसगढ़ की दृष्टि से देखें। तो इस प्रकार से वहां पे अकबर, एजाज ढेबर, इनकी कार्टून के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि इन लोग आने से क्या माहौल बनेगा, क्या इन नेताओं को वहां से दूर रखने के की भी कोशिश कही जा सकती है भाजपा की ओर से, क्योंकि मोहम्मद अकबर एक चुनाव की दृष्टि से एक मैनेजमेंट के रूप में उनका एक मास्टरी रहा है। अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री रहते वो चुनाव लड़े थे मरवाही में, तब भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और रायपुर से जाके कवर्धा में जिस तरह से 60,000 मतों से जीते थे, तो वो ढंग से उनकी एक अपनी काबिलियत है। और राजनांदगांव सीट में कहें तो कवर्धा में जो घटना हुई है, जो ध्रुवीकरण की बात करें या हिंदुत्व की बात करें, वो क्या पूरे लोकसभा सीट को प्रभावित करेगा, ये एक बड़ी बात है। जांजगीर की जहां तक बात है, तो रायपुर में जो सद्भावना समिति सकुन धरिया के नाम से MIC सदस्य हैं श्री कुमार मेनन, रायपुर में बता सकते हैं अच्छे से क्या है, लेकिन MIC ने उनको आवंटित कर दिया था उस भवन को, जो एक आलीशान एयर कंडीशन भवन के रूप में वहां पे सामने आया जब आवाज उठी, भाजपा ने इसको आवाज उठाई। तो इसको रायपुर से लेकर जांजगीर तक इसको फैलाने की जो बात कही जा रही है, उसका कितना लाभ वहां पे उठता है। आरंग से शिवधरिया रायपुर लोकसभा क्षेत्र, सवाल के सर, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है बीजेपी क्या नर्वस है क्या छत्तीसगढ़ में? तो अब तो सरकार भी अपनी है विधानसभा में, तो नर्वसनेस है क्या 2-3 सीटों को लेकर के? 11 से 11 जीतने का जो टारगेट रखा है, क्या उसको फुलफिल करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रही है? नर्वस की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार है और सभी सीटों जो जीतने की बात है, कहीं कोई कसर न रह जाए ये बात कही जा सकती है। और प्रत्याशियों की दृष्टि से देखें तो भाजपा ने
दिग्गज नेताओं को जिस तरह से मैदान में उतारना है, तो उसको भी एक असर तो रहेगा कि प्रत्यय भूपेश बघेल यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका अलग रहेगा, शिव डहरिया मंत्री रहे उनका उस क्षेत्र में पहले भी वहां पे लड़ चुके हैं, जहांगीर में वो चुनाव मैदान में रह चुके हैं, तो ज्योत्सना महंत जानते हैं कि कोरबा सीट कितना महत्वपूर्ण है। तो इस सब दृष्टि से कहा जा सकता है कि जो मोदी की गारंटी जो लागू छत्तीसगढ़ में लागू की जा रही है उसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें, तमाम प्रकार के जो प्रयास हो रहे हैं, तो उपलब्धियों के साथ साथ कुछ ऐसे विषय हैं जिनको प्रत्याशी को लेकर मतदावर जो नेता है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जनता के बीच ये बात ले जाने की कोशिश की जा रही है कि ये आएंगे तो तुष्टिकरण की बात आएगी, ये आएंगे तो इस तरह सरकारी भवन में कब्जा या भ्रष्टाचार की बात आ सकती है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो जो प्रत्याशी है उन पर डायरेक्ट हमला जो भाजपा कर रही, देखना कांग्रेस इसका किस प्रकार से आक्रामक रवैया अपनाती है कि बचाव में आती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा समय में। जरूर संदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के। संदीप जी आपका स्वागत है। सवाल हम यही इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि आप बीजेपी जो है कैंडिडेट वाइज टारगेट कर रही है, इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी है? आप तो बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं, दोनों जगह आपकी सरकारें हैं, फिर भी इंडिविजुअल कैंडिडेट को टारगेट करने का क्या मकसद हो सकता है कार्टूनों के जरिए? देखिए चुनाव तो कोई कैंडिडेट ही लड़ रहा है, कोई पत्थर या दीवार तो लड़ नहीं रहा है। तो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का पुराना जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके व्यवहार है, उनके आचरण है, उस पर तो बात होगी होगी, इसके बिना कैसे काम चलेगा। लेकिन लेकिन जो पहला पोस्टर है पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसमें तो पूरा उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की जा रही है। यानी कम्युनल कलर देने की कोशिश का क्या बात है यहाँ? आप तो देखिए पिछली सरकार के समय में क्या हुआ, किस ढंग से पूरे प्रदेश के भीतर में जो अतिवादी तत्व है उन्होंने प्रदेश में अपना एक तमाशा खड़ा करके रखा था, किस ढंग से यहाँ पर प्रदेश के भीतर में आप देखेंगे कि जितने हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कितने ढंग से यहाँ पर कार्य हुए, आपको तो सब पता ही है बात, कोई जानकारी छुपी नहीं है, किस ढंग से हमारे एक कार्यकर्ता की या कहेंगे एक आम नागरिक की किस ढंग से हत्या कर दी गई साजा के क्षेत्र में, ये सबसे आप परिचित हैं कि पूरे प्रदेश के भीतर में किस ढंग से कट्टरपंथी जो तत्व हैं उनका एक तरह से बोलबाला हो गया, धमकाने लग गए थे पूरे प्रदेश के लोगों को। आज रायपुर के भीतर में जाओ, आपको पुरानी घटना याद करिए किस ढंग से यहाँ पर हत्या और वारदात बढ़ी थी, लोगों के बीच एक भय का वातावरण यहाँ पर स्थापित हुआ था, आपको सब पता है। तो ये बात है कि अगर कहीं कोई कम्युनल जिसको आप कह रहे हैं वो कम्युनल कलर देने की कोशिश नहीं है, वास्तव में पिछली सरकार के समय में जो यहाँ पर हालात पैदा हुए थे छत्तीसगढ़ के भीतर, जो वातावरण एक बन गया था छत्तीसगढ़ में, वो वातावरण फिर से दोबारा मत बन पाया, इसलिए हमने प्रदेश की जनता को एक तरह से सचेत करने को जानकारी दे रहे हैं। आपने प्रदेश की जनता को सचेत करने के लिए इस ढंग के पोस्टर जारी किए हैं जिसको देखते ही आपको लगता है कि हिंदू ध्रुवीकरण होगा, और जो फॉर्मूला आपने विधानसभा में अपनाया वही लोकसभा में अपना रहे? नहीं, मैंने कहा हिंदू और मुसलमान की बात की, तो आप कह रहे हैं। नहीं मैंने भी नहीं कहा, मैं तो पोस्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं आप जो कह रहे हैं ना, वो पोस्टर में आप देखिए क्या लिखा है। नहीं सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि हिंदू एकत्र होंगे, मैं कहाँ ऐसा बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ जो अतिवादी तत्व है उनके खिलाफ लोग एकत्रित होंगे। मैंने कहीं पर हिंदू मुसलमान नहीं बोला, आपने हिंदू कहा, हिंदू एकत्रीकरण होंगे, मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ? नहीं मैंने ध्रुवीकरण कहा, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा, मेरे मुंह में आप शब्द डाल दिए। नहीं नहीं आपने कहा हिंदू ध्रुवीकरण, आपने कहा है, आप देख लीजिए। नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं मैंने मैंने हिंदू मुस्लिम बोला नहीं, मैंने बोला ध्रुवीकरण होगा, जो जिसका फायदा आपको विधानसभा में मिला वही बात आप लोकसभा में कर रहे हैं। बोल रहा हूँ मैं, आप देखिए देखिए आपने कहा हिंदू ध्रुवीकरण, आपने कहा है, आप देख लीजिए, आप एक बार फिर से अपने उस बात को रिवर्ट करके। मैंने ध्रुवीकरण बोला, मैं हिंदू ध्रुवीकरण नहीं बोला है। हिंदू ध्रुवीकरण आपने हिंदू ध्रुवीकरण कहा भाई। अच्छा चलिए, मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं भी जिम्मेदारी से यहाँ बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं गैर जिम्मेदारी से यहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत ही जिम्मेदारी से यहाँ बैठा हूँ, मैं इसीलिए बोला, ये मैं इसी कहा, ये कोई हिंदू मुसलमान का बात नहीं, मैंने आपको इसीलिए कहा, अगर आप नहीं बोलते तो मैं नहीं बोलता। खैर आपको जो भी है उसमें मैं फिर से आगे बढ़ जाता हूँ, इसमें इसमें बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता। तो मेरा यही कहना है कि कोई ध्रुवीकरण का मामला नहीं है, ये जो है एक तरह से अपराधियों के विरुद्ध जो अपराधियों से परेशान लोग थे उनको हम ध्रुवीकरण जरूर करना चाहेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अपराधियों से आखिर कैसे निपटा जाएगा? पूरे प्रदेश एक अपराधगढ़ बन गया था, पूरे प्रदेश की जो औसत जो अपराध थे बिहार को पार कर गए थे यहाँ, इसलिए हम अपराधियों का जो तत्व है, जो डराने धमकाने वाले जो तत्व है प्रदेश के भीतर, जो पूरे प्रदेश के भीतर एक भय का माहौल बना करके रखे थे, अगर उनके खिलाफ कोई ध्रुवीकरण होता है अच्छे लोगों का, इसमें बुराई क्या है? नहीं होना चाहिए, नहीं, आपको, होना नहीं, आपको देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रचार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं
क्या आपने जो 11 में से 11 जीतने का कॉल दिया है उसमें क्या भूपेश बघेल जैसे कैंडिडेट आने के बाद क्या उसमें आपको लगता है कि यहाँ पर इतने पूर्व मुख्यमंत्री चूंकि चुनाव लड़ रहा है तो हमें थोड़ा सा रणनीति में बदलाव करके इस ढंग से अटैक करना चाहिए? सवाल ये है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री या तो वर्तमान मुख्यमंत्री हार जाते हैं बहुत सारे जगह, आप जानते हैं जी, ऐसे मुख्यमंत्री होते हुए विधानसभा हार जाते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री का क्या मामला है यहाँ पर? हमारे लिए सिर्फ एक कैंडिडेट है, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री का प्रश्न नहीं है, और हमारे लिए हर कैंडिडेट जो है हमारे लिए यहाँ पर उसके लिए हम बराबर ताकत लगा करके लड़ेंगे। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपने सारे मशीनरी के दरवाजे खोल करके लड़ती है चुनाव जी। इसमें कोई पूर्व मुख्यमंत्री है या वो भूपेश बघेल है ये विषय नहीं है, हम हर सीट को ही उतनी शिद्दत से लड़ेंगे जैसे हम आप राजनांदगांव की बात कर रहे हैं। हमारे लिए कोई सीट जो है कमतर ज्यादा नहीं है, हमारे हर प्रत्याशी एक तरह के हैं और हम हर चुनाव को एक ही तरीके से लड़ेंगे। चलिए, और पूरी ताकत लगाएंगे। आपने अपनी बात पूरी रखी, अब आप आपके बातों पर अब मुझे श्री कुमार जी का रिएक्शन लेना होगा जी। आप जवाब दीजिए, आप सुन रहे थे सारी बातें। बाबा देखिए, जो पार्टी डरे होने का दिखावा बोले या जो बोले, उनके लिए सिवाय ध्रुवीकरण के सिवाय इनके पास कोई चारा नहीं। आपने जो बात की, आपने अधूरी बोली, आपका अपना दायरा है, नहीं बोल सकते, लेकिन बिना हिंदू मुस्लिम करे भाजपा का अस्तित्व ही नहीं है पूरे देश के अंदर में। अगर इस मुद्दे को अगर वो छोड़ दें बिना हिंदू मुस्लिम के, तो शायद इनको कहीं वोट मिलने वाला नहीं है। ये इनके राजनीति का पूरा सार वहीं से चालू होता है, बिना दंगा कराए, बिना वैभवस्था फैलाए, बिना आपस में लड़ाए भाई भाई को, ये राजनीति कर नहीं सकते। इनको वोट के लिए ध्रुवीकरण करना इनका मकसद है। जहां तक अकबर जी की बात, इन्होंने की पूर्व मंत्री है, शायद संदीप शर्मा जी भी रायपुर के ही है, इनको मालूम होगा कि मंडी अध्यक्ष रहते हुए अकबर जी ने सबसे पहले वहां के एकमात्र राम मंदिर है पंडरी का, उनको बनाने का काम अकबर भाई ने किया था। खैर, उस विषय को मैं अलग से रखते हुए बात करूंगा। ये पार्टी इसलिए डरी हुई है, नर्वस इसलिए दिख रही है मनोरंजन जी, कि ये लोग बेरोजगारी के संबंध में जो वादे मोदी जी ने किए थे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की थी, 10 साल में 20 करोड़ देने की बात थी, उस बात में ये फेल रहे हैं। ये इसलिए परेशान है क्योंकि इनको लग रहा है कि महंगाई के कारण जो जनता त्रस्त है, जो 450 में सिलेंडर मिलता था यूपीए के समय में, आज 1000-1100 रुपए होने के बाद जो महिलाएं परेशान है, लोग परेशान है, 100 रुपए कम करके लोगों को घुमाने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है श्री कुमार जी, आपको जो पोस्टर्स है उसका जवाब देना चाहिए, जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें मैंने बताया पोस्टर में, मेरे पास समय कम होता जा रहा है। मैंने मनोरंजन जी पोस्टर के बारे में मैंने बताया कि अकबर भाई के बारे में बता दिया कि अकबर भले ही बात करते हैं, जाकर कवर्धा से भी लड़ते हैं, लेकिन कभी भी राजनीतिक सांप्रदायिक राजनीति से वो हमेशा अपने आप को दूर रखे हैं। भूपेश बघेल जी हमेशा से छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए लड़ते रहे हैं और उनसे आज छत्तीसगढ़ की जनता अगर जुड़ी हुई है, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता इतना स्वागत अगर राजनांदगांव में जहां जहां वो जा रहे अगर हो रही है, उसका कारण यही है कि उनको छत्तीसगढ़ की जनता मानती है और उनको जानती है, इसलिए उनको उनका जीतना तय है। जी जी, इसी जी, प्रकार से जी, जी, मान जी का श्री कुमार जी एक इसका जवाब लेना होगा, उसके बाद में के शर्मा जी भी है और हमारे सहयोगी भी है नीलेश, उनके बाद जी संदीप जी बोले। नहीं नहीं, ये जिस तरह से बात कर रहे हैं ना कि वो जो है सारे लोगों को लेकर के चलते हैं, तो पिछले समय क्या हुआ था कवर्धा में? किस ढंग से बेगुनाह लोगों को वहां पर जेल में डालने का काम किया गया था? किस ढंग से जिन लोगों ने अपराध नहीं किया था उनको भी अपराधी बना करके जेल में ठूस दिया गया था? इसका उनको जवाब देना चाहिए कि क्या अपराध था लोगों को 3-3 महीने 4-4 महीने जेल के भीतर ठूस दिया गया, और क्या वजह थी कि वहां पर एक विशेष धर्म के लोगों के झंडा को वहां पर उतार करके फाड़ दिया गया, और किस ढंग से लोग वहां पर नारेबाजी करते, इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। किस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वहां पर आतंकवादियों ने अपने जो है ताकत बढ़ाने का काम किया, जवाब देना चाहिए उनको। तो पूरे प्रदेश के भीतर में जिस ढंग से एक हाहाकारी व्यवस्था इन्होंने बना रखी थी और भय का वातावरण बनाया था, उसका नतीजा हुआ कि संदीप जी आप सत्ता में आए हैं। आप सत्ता, श्री कुमार जी 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड से प्रदेश की जनता 50 से ज्यादा हत्याएं के आतंक से, एक एक करके बोले, माफी चाहता हूं, एक एक करके बोले श्री कुमार जी 30 सेकंड बाबा। राजपुर जिले के अंदर में 50 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है, ये बात कर रहे हैं वीरनपुर की या कवर्धा की, 50 से ज्यादा हत्या भाजपा की सरकार आने के बाद 3 महीने के अंदर रायपुर जिले के अंदर हो चुकी है। उसके संबंध में क्या बोलेंगे संदीप शर्मा जी? क्या कारण है? संदीप जी श्री कुमार जी माफी चाहता हूँ, आप दोनों शांत रहे, मुझे के शर्मा जी के पास जाना पड़ेगा। शर्मा जी, आपको यहाँ जो बहस हो रही है उससे तो अंदाजा हो रहा है कि लोकसभा का चुनाव भी जो है छत्तीसगढ़ में मजेदार होने वाला है। के शर्मा जी
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आप कहें तो कांग्रेस अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति है। 35 विधायक हैं इनके बाद, अभी 2 सांसद हैं। इनकी संख्या बढ़ाने की बात करें लेकिन भाजपा के जो डबल इंजन की सरकार है और कह सकते हैं कि जो कठिन सीटें जिनको अभी जो जारी हो रहा है इसको मामले को लेकर, मुस्लिम शब्द को लेकर जो बात हो रही, मुस्लिम की बात तो नहीं कर सबके साथ सबके विकास की बात भाजपा करती है, लेकिन आप कार्टून में देखेंगे जिहादी गिरोह की बात कही गई है। तो यहाँ पे सब दलों का, जैसे संदीप जी कहे कि अपराधियों को लेकर, अपराधी मतलब इनको जिहादी, मेरे को लगता है कि जिहादी गिरोह का जो कार्टून में उपयोग किया उसको लेकर के जिस तरह से जो घटनाएं हुई, जैसे मैंने कहा कि अभी बुधराम के हत्याकांड की बात कही, उससे पहले जो जो आप कह सकते हैं कि झंडा कांड जो हुआ था जिसके कारण अकबर को वहां पे राजनीतिक रूप से भाई एक बड़ा नुकसान हुआ है, और उसी लोकसभा क्षेत्र इसका कितना लाभ भाजपा उठा सकती है, अलग अलग धर्मांतरण है आदिवासी बस्तर क्षेत्रों में आप देख ही सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, आज इतना ही, माफी चाहता हूँ। आप संदीप जी आपसे, श्री कुमार जी आपसे, के शर्मा जी आपसे, नीलेश माफी चाहता हूँ, किसी और दिन इस पे करेंगे। ये बड़ा गंभीर और हॉट टॉपिक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव में शायद थोड़ी थोड़ी एक दूसरे की इज्जत भी जो है कैंडिडेट और पार्टियां रखे तो शायद अच्छा रहेगा। वैसे चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जाता है, कहावत है कि सब कुछ जायज है जंग में और चुनाव में। फिलहाल मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।